और चलिए कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गैंगस्टर की बुलेट से फर्राटा भर रहा पुलिस कमिश्नर का पीआरओ। तस्वीर सामने आई है, पुलिस कमिश्नर के पीआरओ अजय मिश्रा पर गैंगस्टर की बुलेट खरीदने का आरोप लगा है। गैंगस्टर बलराम राजपूत की पत्नी के नाम से ये बुलेट थी और छात्रा की खुदकुशी मामले में जेल गया था दारोगा अजय मिश्रा। जेल में ड्रग्स माफिया बलराम राजपूत से हुई थी अजय मिश्रा की मुलाकात और दारोगा का दावा है कि 90,000 में गैंगस्टर की पत्नी से उसने बुलेट खरीदी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि दारोगा ने अपराधी की ही बुलेट क्यों खरीदी, 90,000 में बुलेट खरीदने की बात दारोगा बता रहा है। और गैंगस्टर की बुलेट से फर्राटा भरता हुआ दारोगा का पुलिस कमिश्नर का पीआरओ दिखाई दिया। आपको बताएं कि दारोगा अजय मिश्रा पर गैंगस्टर की बुलेट खरीदने का आरोप लगा है। हालांकि उसका कहना है कि जब जेल में उसकी मुलाकात हुई थी गैंगस्टर से तो उसने 90,000 रुपए में गैंगस्टर की पत्नी से बुलेट खरीदी। रतीश मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रतीश, मामला क्या है ये पूरा? देखिए, कानपुर के पुलिस कमिश्नर हैं विजय सिंह बेड़ा, उनका पीआरओ है अजय मिश्रा। अजय मिश्रा इससे पहले भी एक छात्रा के मामले में, 4 साल पहले छात्रा ने खुदकुशी की थी, बीसीए छात्रा थी, उस मामले में आत्महत्या के उकसाने के लिए जेल गया था। 2020 में जमानत पर छूटा और उसके जेल के दौरान उसकी गैंगस्टर बलराम से मुलाकात हुई थी। बलराम पर 16 केस दर्ज हैं और इस वक्त अजय मिश्रा जो बुलेट से चलता है या चलाता है उसकी बुलेट पहले बलराम के नाम थी, बलराम की पत्नी के नाम सोनी के नाम थी। अब यही सवाल उठ रहा है कि बलराम की और जो गैंगस्टर है, पुलिस और अपराधी के बीच पेट्रोल किस तरीके से है कि गैंगस्टर बुलेट को खरीद कर कमिश्नर का पीआरओ अजय मिश्रा चला रहा है। अजय मिश्रा से जब हमने बात करी तो उनका साफ तौर पर कहना है कि ये बुलेट उन्होंने 90,000 रुपए में खरीदी है। लेकिन पुलिस और अपराधियों के गठजोड़ पर जो सवाल उठते रहते हैं उसको और ज्यादा ये पुख्ता करता है। क्यों, क्या जरूरत पड़ी? सवाल ये है कि क्या जरूरत पड़ी है गैंगस्टर से उसकी बुलेट को खरीदने की? हालांकि इस मामले में कोई भी बड़ा अधिकारी बोलने को कुछ तैयार नहीं है, लेकिन साफ तौर पर अजय मिश्रा इस मामले में घेरते हुए दिख रहे हैं। कार्यप्रणाली पहले भी शक के घेरे में रही है, कई ऐसे मामले रहे जिन पर शक की सुइयां गई हैं और इस मामले में भी उनके पास बयान, उनके पास बात करने के लिए कुछ नहीं है। हालांकि वो अपनी गवाही जरूर दे रहे हैं कि उन्होंने इस बाइक को, इस बुलेट को 90,000 में जरूर खरीदा है। जी। और रतीश, अब आगे इस मामले में क्या कार्रवाई हो सकती है, क्या लग रहा है? देखिए, फिलहाल आला अधिकारियों के मामले में संज्ञान में यह मामला आ चुका है, लेकिन सभी इस मामले से पल्ला झाड़ रहे हैं क्योंकि कमिश्नर ऑफ पुलिस के चलिए रतीश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, बड़ी खबर लगातार आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर यह है कानपुर से कि गैंगस्टर की बुलेट से फर्राटा भर रहे पुलिस कमिश्नर के पीआरओ की बात सामने आ रही है और दारोगा अजय मिश्रा पर गैंगस्टर की बुलेट चलाने का आरोप है। गैंगस्टर बलराम राजपूत की पत्नी के नाम से ये बुलेट थी। दारोगा का दावा है कि 90,000 में गैंगस्टर की पत्नी से उसने बुलेट खरीदी। लेकिन सवाल यह है कि दारोगा ने आखिर अपराधी की बुलेट क्यों खरीदी? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।